हरियाणा बोर्ड अक्टूबर एग्जाम्स का रिजल्ट कब आएगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th 12th अक्टूबर एग्जाम CTP रीअपीयर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट 10th 12th जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा, कैसा आएगा, इन दोनों बातों के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक इस चैनल के द्वारा पहुँचाई जा रही है। एजुकेशन पार्टी हरियाणा बोर्ड के लिए हमेशा तत्पर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में। ये जो एग्ज़ाम्स आपको पता है 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और 8 नवंबर तक चलने वाले हैं। बात करें रिजल्ट की तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि 8 नवंबर तक तो आपके एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स के रिजल्ट पे जाने से पहले मैं रिजल्ट कैसा आएगा थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पर आपकी एक टेंशन होगी कि रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आएगा। जैसा आप करके आए हैं वैसे के वैसे नंबर आपको मिलेंगे, ना कोई नंबर यहाँ पर कटेगा और ना कुछ ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, ये सच्चाई है। क्योंकि अब की बार हरियाणा बोर्ड आपको पता है न्यू तरीके से एक नए तरीके से जो है चेकिंग करने जा रहा है। ऑनलाइन यहाँ पर आपकी डिजिटल मार्किंग कर सकता है हरियाणा बोर्ड इन एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये जो है क्या होती है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझाऊं तो आपके पेपर ऑनलाइन चेक होंगे, कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं नियम वही रहेंगे चेकिंग के, लेकिन तरीका हरियाणा बोर्ड ने बदल दिया है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, चेकिंग के नियम वही रहेंगे लेकिन तरीका बदल दिया है। नियम क्या रहेंगे कि भाई ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, कोई ऐसे लिख के आया है पूरा आंसर सही नहीं लिखा तो भी नंबर मिलते हैं, स्टेप वाइज लिख के आया है तो भी नंबर मिलते हैं। यानी कि जो नियम है, जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे टीचर्स को वही बताए गए हैं, लेकिन तरीका जो पहले ऑफलाइन था उसको अब ऑनलाइन किया गया है। यानी कि पहले जो ऑफलाइन टीचर अपनी आंखों के सामने अपने हाथों में पकड़ के आपकी कॉपी चेक करता था पेज पलट पलट के, वो तरीका बदल कर अब ऑनलाइन उनके जो है PC लैपटॉप में स्क्रीन पे आपका पेपर चलेगा, आपकी आंसर शीट, और वो चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ सकता है रिजल्ट पे, लेकिन फिर भी हरियाणा बोर्ड का कहना है कि जो स्टूडेंट जैसा लिख के आएगा उसको उसी की काबिलियत के अनुसार नंबर देने का पूरा प्रयास है। टीचर्स को जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस में भी साफ साफ बोला गया है, मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ ली हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जो है आपको सही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कब तक। तो रिजल्ट कब तक आएगा इसका जवाब आपको मैं बताऊंगा नहीं, आपके खुद समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिए। आपका जो रिजल्ट है उसको बनने में लगते हैं कम से कम 30 से 40 दिन, लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी आपके पहले भी एग्ज़ाम्स हुए जुलाई में, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, तो इन एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी आपको कहीं ना कहीं जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर टाइम होता है, एक टाइम तो हर चीज़ का होता है, वो तो लगे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपकी कॉपी चेकिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट को एनालिसिस किया जाएगा, फिर अपलोड किया जाएगा, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टाइम होता है वो तो लगेगा। तो देखिए आपको पता है नवंबर में 8 आपके यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको पता है दीपावली आ जाएगी। अब दीपावली पर कोई काम करता है, नहीं करता, 3-4 दिन तो सब मौज उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम भी घट जाएगा। तो यहाँ पर जो है नवंबर में तो रिजल्ट आने से रहा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दिसंबर में। अब दिसंबर में आपका रिजल्ट जो है कब आएगा इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं है, और ना मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है हम सच्चाई के साथ यहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं, ऐसे ही झूठ में आपको कोई डेट बता के चला जाऊँ तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी तक कोई डेट नहीं है, और कोई डेट बता भी रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में रिजल्ट आएगा ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन डेट जो है वो अभी तक बोर्ड ने नहीं बताई है। डेट बहुत जल्दी, जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब डेट के बारे में भी अपडेट आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको जो है वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में भी जो है जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो है पहले अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, फिर रिजल्ट कभी भी आए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ही अच्छे से नहीं हुए तो रिजल्ट की फिर जो है वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है। तो रिजल्ट आपका जो है अच्छा ही आएगा, एग्ज़ाम आप अच्छे दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है हरियाणा बोर्ड यहाँ पर आपके जो 2024 के एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी कुछ अपडेट देगा, और उसी मीटिंग में शायद हो सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर भी अपडेट दे दे, तो फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे जुलाई के, बहुत जल्दी उनका रिजल्ट भी आ गया था, तो ऐसा ही आपके साथ होगा, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सच्चाई के लिए
और किसी चीज़ के लिए नहीं, सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवा हवाई बातें नहीं होती, आपको दिखाई जाती है सच्चाई विद प्रूफ। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।